झांसी की मौरानीपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम मेढ़की एक बार फिर सुर्खियों में आया है, क्योंकि इस बार ग्राम मेढ़की को उसके चौमुखी विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको बता दें, इसके पहले भी ग्राम को दो बार मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिल चुका है। ग्राम प्रधान प्रदीप खरे ने बताया कि मैंने गांव के चौमुखी विकास के लिए शौचालय एवं मॉडल शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र का सुंदरीकरण एवं विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा तथा आरओ भी लगवाए हैं। इन्हीं सब कार्यों को देखकर यह पुरस्कार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर झांसी में प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाना था, लेकिन कोरोना काल के मद्देनजर अब उन्हें यह सम्मान पत्र केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रदान किया गया। मेढ़की गांव की पहचान प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लोक कवि इसुरी के नाम से होती है। प्रधान प्रदीप खरे ने शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, जिसका परिणाम राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में मिला है। प्रधान जी, आपको ये जो प्रशस्ति पत्र भेजा गया है केंद्रीय मंत्री के द्वारा, ये किस कारण आपके पास भेजा गया है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के मिला हमें, उसके उपलक्ष्य में भेजा गया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में 32 ग्राम पंचायतों को मिलता है जी। इसमें झांसी जिले की 2 ग्राम पंचायतें हैं, मेढ़की और कोटरा। तो 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी को झांसी आ रहा था पंचायती राज दिवस पर, तो वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ तो ये मूवमेंट को मिल रहा था हमें। अब COVID-19 की वजह से ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया है, इस वजह से माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने डाक द्वारा हमारे घर पर। प्रधान जी, सुना है कि 2018 में भी आपकी ग्राम मेढ़की को उत्कृष्ट स्थानों में देखा गया था जी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन मिला था हमें जी 2018 में।